अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन डिजाइन में टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से की जाती है, डिफरेंट पिक्चर्स के साथ, शेप्स के साथ आप इन डिजाइन में टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे की जाती है। टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ शेप्स बना के रखी हुई हैं, कुछ मैंने पीएनजी इमेजेस ली हुई हैं और कुछ जेपीईजी इमेजेस ली हुई हैं और कुछ फुल स्क्रीन इमेजेस ली हुई हैं। तो इन सब पे हम टेक्स्ट रैप करके देखेंगे, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग होती किस तरह से, किस किस टाइप की टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर मौजूद होती है और कब कौन सी टाइप की टेक्स्ट रैपिंग करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप टेक्स्ट रैपिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक शेप है, मैं इस शेप को यूज़ करूँगा। आपको सारी तरह की जो टेक्स्ट रैपिंग होगी वो कुछ 5-6 तरह की टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। देन फिर मैं आपको टेक्स्ट रैपिंग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं यहाँ पे समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग कितनी टाइप्स की होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, W प्रेस करके मैं ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स नज़र आ रहे हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस सर्कल की ओपेसिटी डाउन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके पीछे कुछ टेक्स्ट है जो मुझे सर्कल रखने की वजह से वो टेक्स्ट पीछे वाला जो है वो हाइड हो रहा है। तो उसकी वजह से जो मेरा टेक्स्ट है वो कट जाएगा, जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ नहीं सकता इसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली क्या होती है कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसके सराउंडिंग में, टेक्स्ट के सराउंडिंग में, सॉरी जो शेप होगी या कोई इमेज होगी उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट आ जाता है और बीच में आपके पिक्चर या शेप जो भी आपने रखा हुआ होता है वो आपको यहाँ पर रखा जाता है और साइड में उसके टेक्स्ट रैप होकर आ रहा होता है। तो इन डिज़ाइन में टेक्स्ट रैपिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत एडवांस लेवल का यहाँ पर आप टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट। तो टेक्स्ट रैपिंग करने के लिए आप सबसे पहले विंडो में जाते हैं, विंडो में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट रैप का, आप टेक्स्ट रैप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है नो टेक्स्ट रैप का। अच्छा, ये ऑप्शंस आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी मिल जाते हैं। ये आपके पास एक टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है, ये आपके पास, ये 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए जो मोस्टली यूज होते हैं और एक ऑप्शन वहाँ नहीं दिया हुआ। लेकिन मैं यहाँ ऊपर से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो सारे ऑप्शंस वहाँ नहीं आ रहे और दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, स्क्रीन ज़्यादा वाइड नहीं होती, चौड़ी नहीं होती बहुत ज़्यादा स्क्रीन, तो ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं आएंगे, वो कट जाते हैं ऑप्शंस, इनको इन डिज़ाइन ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते इन ऑप्शंस को। और अगर आप यहाँ से नए वाले, मैं नए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ तो मैं एसेंशियल की वर्क स्पेस अगर पिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट रैप के ऑप्शन यहाँ साइड में भी आपको प्रॉपर्टीज बार में मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, टेक्स्ट रैप का जो पैनल है वो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नो टेक्स्ट रैप का, यानी अभी इस सर्कल पे नो टेक्स्ट रैप अप्लाई हुआ है तो अभी ये यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट रैपिंग नहीं हो रही। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स बेसिकली क्या होता है कि जिससे आप ये स्केल अप, स्केल डाउन या रोटेशन करते हो, ये जो स्क्वायर शेप में आपको ये बॉक्स नजर आता है ये बाउंडिंग बॉक्स होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाउंडिंग बॉक्स आप कहीं पर भी देखो, अगर मैं ये शेप भी दिखाऊँ आपको, तो इस शेप का जो बाउंडिंग बॉक्स है वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो टेक्स्ट रैपिंग होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर शेप में हो रही है। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं और मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में टेक्स्ट रैपिंग हो रही है। मैं इसके जो पैराग्राफ्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सबको सिलेक्ट करके हम इसकी जो टेक्स्ट रैपिंग है हम लेफ्ट जस्टिफाई कर देते हैं तो देखें अब बिल्कुल स्क्वायर शेप में होगी। अच्छा, अब मजीद ऑप्शंस यहाँ पर आपको क्या अवेलेबल है कि आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट के ऑफसेट है कि आपका टॉप ऑफसेट, बॉटम ऑफसेट, लेफ्ट या राइट ऑफसेट यहाँ आपको दिए हुए हैं। मतलब ये स्क्वायर शेप है तो इसकी टॉप साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये बॉटम साइड है। तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा टच हो रहा है तो थोड़ा दूर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चारों साइड से चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ से इसकी जो ऑफसेट था उसको चेंज किया मिलीमीटर में, तो ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट दूर दूर चला गया। अगर आप चाहते हैं कि दूर दूर नहीं हो, करीब करीब होना चाहिए, तो आप इसको करीब करीब भी कर सकते हैं और माइनस में भी ला सकते हैं, यानी आप चाहते हो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए तो भी आप इसको कर सकते हैं। बट हमारा टेक्स्ट उससे क्योंकि कट रहा है, पढ़ा नहीं जा सकेगा, रीडेबिलिटी ख़राब होगी,
तो इसलिए मैं इसको कुछ दूर रखता हूँ। ये वाला ऑप्शन आपके स्क्वायर शेप वाली जो टेक्स्ट रैपिंग होगी, यानी जो बाउंडिंग बॉक्स वाली टेक्स्ट रैपिंग है, उसमें चार ऑप्शन एक्टिव होते हैं। अगर मैं यहाँ से थर्ड ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट की शेप जैसी भी होगी, मतलब कि अगर ये अभी सर्कल था लेकिन ये टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर शेप में हो रही थी, अब आप जैसी भी टेक्स्ट रैप अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो ये टेक्स्ट रैप वैसा ही करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ एक और ऑप्शन है कि रैप ऑप्शन। रैप ऑप्शन क्या करते हैं कि आपको रैपिंग किस तरह से करनी है। अभी वो बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड, यानी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर भी आना चाहिए और राइट साइड पर भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके करता हूँ कि मुझे सिर्फ राइट साइड पे टेक्स्ट चाहिए, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट नहीं चाहिए। इसी तरह से आप कर सकते हो लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, राइट पे नहीं रखना चाहता। ये बेसिकली है क्यों, अगर मैं अभी इस टेक्स्ट को इस तरह से रैप करता हूँ बोथ राइट एंड लेफ्ट, तो ऐसे ना प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इसको पढ़ेगा यहाँ से तो वो कन्फ्यूज रहेगा कि इस लाइन के बाद नीचे वाली लाइन को पढ़ना है या आगे बराबर वाली लाइन को पढ़ना है। तो इसलिए या तो आप अपने डिजाइन में कॉलम्स बनाते हो जब आप इस तरह बीच में कहीं पर शेप रख रहे हो। अगर मैं साइड में रखता हूँ ये वाली शेप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे बीच में शेप रख दी है तो फिर आपको लाजमी है कि आपको कॉलम्स बनाने चाहिए अपने टेक्स्ट में या अपने पैराग्राफ्स में, ठीक है। बट मैंने कोई पैराग्राफ में कॉलम्स नहीं बनाया तो ये लाइन ना कंटिन्यूसली चल रही है, यहाँ पर इसके बाद आगे वाली लाइन को पढ़ना है जिसको पढ़ने में यूजर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है और आप नहीं चाहते कि आपको कॉलम्स बनाने हैं, तो आप फिर या तो उसको राइट साइड पर कर दें, क्योंकि अब दूसरी साइड पर टेक्स्ट नहीं आ तो पढ़ने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पता है कि ये लाइन पढ़ने के बाद मुझे आगे ही कंटिन्यूसली ये सब लाइन्स पढ़नी है। तो यहाँ पर आप रैपिंग को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी किस तरफ रैपिंग होनी चाहिए। तो हम इसको बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड रख लेते हैं। अगर आपको कॉलम बनाना नहीं आता तो मैं कॉलम बनाना भी बता देता हूँ कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जो पैराग्राफ्स हैं, और पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कितने कॉलम। यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे चेक लगा देता हूँ और मैंने कहा कि मुझे तीन कॉलम चाहिए, तो 2-3 ये मैंने कॉलम्स बना दिए। तो ये पूरे फ्रेम पे अप्लाई होंगे आपके, अगर आप चाहते हो कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो तो फिर आपको उसके लिए एक फ्रेम अलग बनाना पड़ेगा। पूरे फ्रेम पे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे कॉलम रूल्स पे हम जाके इसके बीच में लाइंस भी लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये मैंने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी पढ़ने वाला होगा उसको पता है कि इस लाइन के बाद नीचे वाली लाइन को पढ़ना है, बराबर वाली लाइन क्योंकि अलग अलग कॉलम्स में मौजूद है तो इसलिए उस बराबर वाली लाइन को कॉलम के हिसाब से पढ़ना। सो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और हमारे जो टेक्स्ट रैप के ऑप्शन थे वो हम वापस ले आते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट रैप ऑप्शन पे जाते हैं और सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो एक सर्कल की फॉर्म में आपका टेक्स्ट रैप हो रहा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ से भी आप ऑफसेट कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको वही रैप के ऑप्शन मिलेंगे। और इसी तरह मैंने एक नीचे भी शेप बनाई हुई तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शेप पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, तो ये ऑब्जेक्ट शेप के हिसाब से रैपिंग हो गई। सो आप दूर दूर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से रैप कर जाएगा। अच्छा, ये जो फ्रेम है, ये जो शेप हमने बनाई है, मैंने आपको बताया था आप शेप को एज अ फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से सपोज प्लेस पे जाता हूँ और प्लेस में जाके मैंने कोई पिक्चर पिक कर ली। यहाँ से मैं एसेट्स में जाता हूँ और मैंने ये वाली पिक्चर पे पिक कर ली, तो आप इसमें प्लेस भी करवा सकते हैं। राइट क्लिक किया, फिटिंग कर दिया और इसको मैंने कर दिया फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे फिल फ्रेम या अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर है कंटेंट अवेयर फिट, ये नए वर्जन में आपको मिलेगा, पुराने वर्जन में पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। तो थोड़ा टाइम लेगा आपका सॉफ्टवेयर और वो अच्छे से आपको कंटेंट अवेयर करके दे देगा अच्छे से, मतलब कि उसमें वो जो है ना डिटरमिन करता है कि उसमें कहीं फेस बना हुआ है तो वो फेस सही से आ जाए, कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनी हुई तो बिल्डिंग से आ जाए। तो ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से उसने इस बिल्डिंग को भी दिखा दिया और पीछे स्काई जो था उसको भी दिखा दिया। तो इसमें वो जो आपका सर्कल है आप उसमें कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और फोर्थ ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का नाम है जंप ऑब्जेक्ट। जंप ऑब्जेक्ट अक्सर सॉफ्टवेयर में लाइक आप वर्ड एक्सेल कुछ यूज़ करें, पावर पॉइंट यूज़ करें, तो उसमें एक ऑप्शन होता है टॉप एंड बॉटम। ये वही ऑप्शन है
कि ये जंप ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ना इसके लेफ्ट पे कोई टेक्स्ट आ सकता है ना राइट पे, सिर्फ या तो ऊपर टेक्स्ट होगा या नीचे टेक्स्ट होगा। जैसे आप कोई साइंस की बुक में या बायोलॉजी की बुक्स में देखते हो तो फिगर्स बनी हुई होती है, उसमें तो फिगर के लेफ्ट राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं होता, ऊपर होता है नीचे होता है अक्सर बुक्स में। सो मैं यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आप सिर्फ लाइन में पिक्चर ही दिखाना चाहते हो तो फिर ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसको आप यूज़ करोगे। और अगर आप चाहते हो कि इस फ्रेम में या इस कॉलम में, क्योंकि इसमें कोई कॉलम नहीं बना हुआ, एक ही कॉलम बना हुआ है, तो ये है जंप कॉलम, सही, जंप टू नेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन है। आप इस जंप टू नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे क्या होगा कि आप इस कॉलम में कोई दूसरा टेक्स्ट नीचे की तरफ नहीं लिख सकते, ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर ऐसा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन अप्लाई कर दिया है। हाँ, अगर कॉलम्स बने हुए होते तो फिर सही ना, पिक्चर मुझे बहुत तंग करी है, मैं इसको हटा देता हूँ, शेप को मैंने यहाँ साइड में रखा और मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें कॉलम्स बना लेता हूँ। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाएंगे एंड देन मैं यहाँ पर तीन कॉलम्स ले लेता हूँ। अब अगर आप देखो तो इसके कॉलम जो हमने नेक्स्ट कॉलम किया है, इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा लेकिन इसके बराबर वाले कॉलम में टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप अगर जंप ऑब्जेक्ट करोगे तो उस कॉलम में सिर्फ उस, फिर कॉलम टू कॉलम चलेगी बात, तो उस कॉलम में लेफ्ट पे या राइट पे कहीं पर भी टेक्स्ट नहीं आएगा। मैं अगर इसको छोटा करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके सर्कल का साइज, तो देखें इसके लेफ्ट राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा कॉलम में और टॉप बॉटम पे आएगा। तो यहाँ पे साइड्स में से जंप हो जाएंगे टेक्स्ट। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कॉलम वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये कम यूज़ होता है तो इसलिए नहीं दिया हुआ था सामने आपके, ये यहाँ पैरल ऑप्शन में ही जाके आपको मिलेगा। तो ये होता है आपके पास जंप नेक्स्ट कॉलम। सो होप यहाँ तक आपको टेक्स्ट रैप के जो ऑप्शन है वो समझ में आ गए। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास शेप है तो शेप पे मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया कि आप शेप को जस्ट सिलेक्ट करोगे और ये ऑप्शन अप्लाई कर दोगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर आपके पास कोई पिक्चर होती है तो। अगर आपके पास जेपेग इमेज, अब ये जेपेग इमेज तो है मेरे पास लेकिन इसका एक वाइट बैकग्राउंड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको टेक्स्ट रैप करवाता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ जो पेप्सी की बॉटल है इसके सराउंडिंग में टेक्स्ट आना चाहिए कुछ इस जगह, और अगर मैं इसको रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप करता हूँ तो देखें इसने सब्जेक्ट देखा, और ये क्योंकि मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी AI इसमें मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी एडोबी की होती है वो इसमें मौजूद है, तो इसने बहुत अच्छे से यहाँ पर सब्जेक्ट अवेयर रैपिंग कर दी है, उसने खुद से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसमें ऐसे रैपिंग नहीं होती थी, उसमें सिंपल क्या होता था, यहाँ पर एक ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स का, ये ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। और क्या करेगा वो सिंपल कि आपकी अगर वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर है तो देखें जो स्क्वायर वाली बाउंड जो हुई थी ना बाउंडिंग बॉक्स है वो पिक्चर के सराउंडिंग में उसने टेक्स्ट रैप कर दिया। अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग अभी हटा देता हूँ तो मैं दिखाना भूल गया आपको कि यहाँ पर इसके पीछे टेक्स्ट मौजूद है इस तरह से, ये टेक्स्ट है बट मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट ना इस बॉटल के सराउंडिंग में रैप होना चाहिए। तो टेक्स्ट रैप करने के लिए मैं अगर यहाँ से जाता हूँ ये थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो उसका जो एडोबी का AI था उसने क्या किया था, उसने यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट वाला ऑप्शन, ये एक नया ऑप्शन ऐड किया है एडोबी ने, तो ये उसने खुद से एडोबी सेंसी के हिसाब से उसने देखा इस पिक्चर में वाइट बैकग्राउंड था और उसको अटैक करके उसने उसके सराउंडिंग में रैपिंग कर दी। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें यहाँ तो आसानी है, आप सिंपल क्लिक करेंगे वो दिखेगा कहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है और देखें रैपिंग उसी हिसाब से होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो भी बॉटल है उसकी ओपेसिटी अगर हमें 100% करनी है तो कर दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट, आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे और इसको अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे तो टेक्स्ट रैपिंग हो जाती है। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या करना पड़ता है, तो भी उसमें एक काम हो जाता है बट उसमें वहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ ऑप्शन होगा आपके पास डिटेक्ट एजेस का, आप डिटेक्ट एजेस पे जाके क्लिक करोगे वो भी सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला ही काम करेगा। लेकिन सिलेक्ट सब्जेक्ट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें ना ज़रूरी नहीं रहता कि आपका बैकग्राउंड किस कलर का है, सही, मतलब फ्लैट बैकग्राउंड होना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कलर का बैकग्राउंड, लेकिन डिटेक्ट एजेस के लिए ज़रूरी है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए या बेहतर है कि वो वाइट होना चाहिए, तो डिटेक्ट एजेस भी वही काम करेगा। मैंने डिटेक्ट एजेस यूज़ किया, जैसे मैं जारी की पिक्चर पर जाता हूँ और इसका भी देखें पीछे बैकग्राउंड है, ये PNG इमेज नहीं है, इसके पीछे अगर आप देखो तो टेक्स्ट है, तो मैं इसको 100% करता हूँ यहाँ से
और इसके ऊपर मैं ये जो थर्ड वाला रैप अराउंड ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके स्क्वायर फॉर्म में कर रहा है। और सेम एज क्लिपिंग हुआ हुआ है, मैं इसको सिंपल जाके कर देता हूँ डिटेक्ट एजेस, तो अब उस एजेस ढूंढ लेगा वो खुद ही वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से। और हम इसको सेंड टू बैक अगर करते हैं तो और मज़े की चीज़ बनेगी इस तरह से। सो इस तरह से अगर वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स हैं तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। सही, अब मुझे नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसका सिर्फ मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आए, राइट साइड पे नहीं आए, तो हम आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर है तो आप डिटेक्ट एजेस, या अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हो तो सिलेक्ट सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर आपके पास PNG इमेज है तो आप PNG इमेज को भी सिलेक्ट करोगे और यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखें वो भी इसी तरह से सेम एज क्लिपिंग वाला ऑप्शन चूज करके आपको दे रही है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि PNG इमेज थी तो इसमें दो ऑप्शन एक्टिव मिलेंगे आपको, या सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेक्ट एजेस भी कर सकते हैं, और एक और चीज़ होती है अल्फा चैनल। अल्फा चैनल क्या चीज़ होती है, वो जो ट्रांसपेरेंट कलर था ना जहाँ आ रहा था इस पिक्चर में, वहाँ पर भी कोई ना कोई पिक्सल, कोई ना कोई चैनल मौजूद होता है, वो जो चैनल होता है उसको कहते हैं हम अल्फा चैनल, जो आपके ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा चैनल कर देंगे इसको तो भी उसके सराउंडिंग में देंगे टॉम के पीछे अब कोई भी टेक्स्ट नहीं। सो इस तरह से आप टेक्स्ट रैप कर सकते हो। आप चाहते हो कि थोड़ा टॉम पीछे हो तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ, इसका फ्रेम छोटा करना है क्योंकि दूसरे पेज पे जा रहा है, तो उसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। और इस तरह से अच्छा बिल्कुल चिपक रहा है टेक्स्ट, बिल्कुल करीब करीब है टेक्स्ट इसके, तो हम इसको दूर दूर कर देते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट रैप करवा सकते हैं, शिफ्ट W प्रेस करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा नजर आएगा। थर्ड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें कभी ऐसा होता है कि आपके पास पीछे बैकग्राउंड पे पूरी पिक्चर होती है, अब यहाँ पर ना कुछ टेक्स्ट आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा ये टेक्स्ट लिखा, मैं चाहता हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, ये क्योंकि हम मैनुअली टेक्स्ट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो ये कोई सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ऐसी जगह पे मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो स्काई नज़र आ रहा है ना पीछे, सिर्फ इतनी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो, बाकी ये बिल्डिंग के हिसाब से जो है बिल्कुल बिल्डिंग जैसे है वैसे ही टेक्स्ट रैप हो रहा हो। तो उसके लिए आप यहाँ से पेंट टूल सेलेक्ट करोगे, और पेंट टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रख लेते हैं फिल कलर, और जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए वहाँ वहाँ जाकर आप ऐसे शेप बना दो लाइक दिस। सो ख़राब सी शेप भी मतलब उसी के कंटोर्स पे बना दो क्योंकि टेक्स्ट हमें बहुत दूर ही रखना है, तो बिल्कुल मिला के जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, तरह करो। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे शेप बना देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे इतनी जगह में कहीं पर भी टेक्स्ट नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे फ्रेम नहीं बनाएंगे कि जहाँ टेक्स्ट चाहिए, आप ऐसी जगह पे फ्रेम बनाओ जहाँ टेक्स्ट, हम ऐसी जगह पे शेप बनाएंगे जहाँ पर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। सो ये मैंने फ्रेम बनाया, और देन जाके मैं यहाँ से थर्ड वाला जो ऑप्शन है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका जो साइज है उसको दूर दूर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, टेक्स्ट रैप हो गया। अब आप सोच रहे हो ये आपको शेप नज़र आ रही है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको डिलीट नहीं करना है, डिलीट कर देंगे तो ये जब पहले नहीं थी तब भी टेक्स्ट रैपिंग नहीं हो रही थी, अब आपको यहाँ पर ये करना होगा कि आप इसका कलर और इसका फिल कलर दोनों बंद कर दोगे तो वो शेप बनी हुई तो होगी लेकिन नज़र नहीं आएगी। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर टेक्स्ट रैप हो गया, सेम काम मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम सिंपल एक शेप बनाएंगे, ऐसी शेप जहाँ पर आपको चाहते हो कि वो टेक्स्ट ना आए, टेक्स्ट रैप हो जाए उतनी जगह से, तो आप यहाँ पर एक शेप बनाकर, सही है, वैसे भी हम हाइड कर देंगे तो किसी को नज़र नहीं आने वाली, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और मैं इसको स्ट्रोक और फिल दोनों कलर्स मैंने बंद कर दिए। अब आप इसको चेक करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग तो मैंने अप्लाई नहीं की, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करने जाता हूँ, उस शेप को मैंने सेलेक्ट किया और थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट रैप हो जाएगा। सो शिफ्ट W मैंने प्रेस किया और आप देख सकते हो कि इस तरह से इसमें टेक्स्ट रैपिंग हो गई। सो ये थी टेक्स्ट रैपिंग, थैंक यू सो मच। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।